आज की जन आक्रोश रैली आम जनता की समस्याओं को संवेदनशील होकर भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। जिस तरह से प्रदेश में पोपाबाई का राज है, पूरी सरकार होटलों से चल रही है। पिछले दिनों भी जिस तरह से आपने देखा बाड़ाबंदी, आज फिर बाड़ाबंदी, ये बाड़ाबंदी की सरकार है। इनको जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, केवल और केवल अशोक जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। और फिर से विधायकों को लेकर उदयपुर चले गए, कभी बाड़ाबंदी के नाम पे, कभी राज्यसभा चुनाव के नाम पे, जिस तरह की विधायकों की बाड़ाबंदी हो रही है, ये लोकतंत्र पे भी एक कलंक है। मैं समझता हूँ अशोक जी को ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह से सरकार नहीं चलती, केवल और केवल अपने विधायकों को खुश करने के लिए, आम जनता की समस्याओं से संवेदित हुई तो जोधपुर में आज बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है। आप जनता की बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हो, जनता के आदमी आपके यहाँ मंच पे आते हैं, महापौर से शिकायत करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? छोटी मोटी समस्या होती है, छोटी मोटी क्या समस्या है? निकट की समस्या है, हमने उनकी बात सुनी है ना, लेकिन कोई कार्यकर्ता आक्रोशित होता है, हमने उसको भी समझाने का प्रयास किया। ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं छलक रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो राज्यसभा में अभी तिवारी जी निकले हैं, तो कहीं ना कहीं कैमरा का जो छलक रहा है, जो आम जनता पसंद नहीं कर रही है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, पार्टी एकजुट है, ये मीडिया के बनाए हुए समाचार है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, एकजुट होकर रहती है। इस तरह की बातों को तूल देना मीडिया को वसुंधरा जी, माननीय घनश्याम जी की सर, आज वसुंधरा जी का फोटो है।